ये तो आपने अपने ऊपर खुद ही सवालिया निशान लगा लिया। सवाल मेरे पर जाए आपने अपने पे सवाल कर लिया कि ब्यूटी रिपोर्टर तो आप हैं, आप यहाँ से खबर लेके जाते हैं, पैकेज तो आपने देना है, आपने बताना है अपने अदारे को कि किस मिनिस्टर ने आज ब्रीफिंग दी और उसके अंदर पब्लिक इंटरेस्ट की क्या चीजें दी। आगे आपके अदारे ने तयन करना है कि अवामी मफाद की खबर चलानी है या सियासी चूर्ण चलाना है, ये फैसला तो मीडिया ने करना है। और अगर आपकी तरजीहात भी चूर्ण पे और सफारियों पे चली गई हैं तो कारकर्दगी आप हाईलाइट नहीं करते तो वो हुकूमत का काम नहीं है। हमें दोनों काम साथ चलाने हैं, हमने मुखालफीन के हमलों का जवाब भी देना है, उनकी गोलाबारी जो हमारे मोर्चों पे होती है वो भी हमने उसको भी हमने डिफेंड करना है और साथ साथ अपनी कारकर्दगी भी आप तक पहुंचानी है। आपसे मेरी इल्तिमास है, आपने बड़ी अच्छी बात की कि आप पैरेलल दोनों चीजों को लेके जाएं। जब यहाँ आप आते हैं और जो मिनिस्टर साहब यहाँ तशरीफ लाते हैं तो वो आपको अवामी मफाद में होने वाले बेहतर इनिशिएटिव और तरजीहात आपसे शेयर करते हैं। आपने अब उनमें से जो पब्लिक इंटरेस्ट का इशू है उसको पिक करना है, और अगर आपका भी इंटरेस्ट वही है तो वो फिर उसमें हमारे लिए खुद चैलेंज बनता है। और जब आप सवाल करें और हम जवाब ना दें वो भी पेशा वराना बदनीयती और बदयानती है, तो दोनों की नीयत को ठीक होना बड़ा जरूरी है। जी अमीन साहब, मलिक साहब आपने बड़ी अच्छी बात बताई कि वर्ल्ड बैंक के साथ आप अर्बन डिजिटलाइजेशन की तरफ जा रहे हैं और लाहौर से आगाज करेंगे। सवाल ये है कि माजी की जिला कचहरी, माजी के लाहौर डेवलपमेंट अथॉरिटी, माजी के रेवेन्यू जहां रिकॉर्ड होता था वो कई दफा आग लगी, फीती फीती हुए, जल सर गए, मर गए, तो अब कहां से डिजिटलाइजेशन करेंगे, कंप्यूटराइज करेंगे? क्या उन अदवार का जला हुआ महकमा माल का रिकॉर्ड आपके रास्ते में रुकावट तो नहीं? ये आप देखिए अच्छा, ये जो डिजिटलाइजेशन का जो हम कर रहे हैं, तो लोग लेने जाते हैं रजिस्ट्री की कॉपी, उनको कुछ मिलता ही नहीं, वो कहते हैं मतलब वो डिवीजन में चले जाएं, पटवारी के पास चले जाएं, जिला कचहरी चले जाएं, वो कहते हैं रिकॉर्ड जम गया। आप किसको कंप्यूटर? ये मैं गुजारिश ये कर रहा हूँ कि अर्बन डिजिटलाइजेशन में जिस तरह का वर्ल्ड बैंक के साथ ये काम कर रहे हैं तो हमारे साथ वो लोग एक्सपर्ट शामिल हैं इंटरनेशनल लेवल पर कि जिन्होंने बोस्निया हर्जेगोविना में भी काम किया है, जिन्होंने रशिया में भी काम किया है, और ऐसी जगह बोस्निया में वो जो एक उनके एक्सपर्ट थे वो कह रहे थे कि वहाँ पर जब मैं गया तो वो शहर में आधा शहर ही जो है वो लड़ाई की वजह से जमीन बोल्ड हुआ हुआ, तो वो एक तरीका है वो उसका ऑन ग्राउंड उसकी वेरिफिकेशन करनी मुख्तलिफ जगहों से। कि आप देखें ना कि उन लोगों को भी मैं आपको बता रहा हूँ जो सर्वे में 30% लोग जिनके पास कुछ भी नहीं है, हमने उनको भी तो देना है, उनके भी तो हम रिकॉर्ड कहीं से चेक करेंगे कि किधर से आया, किधर कैसे जा रहा है, फिर मीटर होते हैं कोई, उनके शनाख्ती कार्ड होते हैं, तो मुख्तलिफ चीज़ों को हम चेक करके इंशाल्लाह उसको हम कोशिश करेंगे कि एक ऐसा निज़ाम आ जाए कि शहर के अंदर जो बहुत सारी ये सब आते हैं ये दूर हो जाएंगे। इसमें दूसरी चीज इसी के साथ आप ऐड कर रहे हैं कि जो आप जिनकी निशानदेही कर रहे हैं, पीटीआई के दौर में कोई रिकॉर्ड ना जला और ना जलाया गया, और जो जिले सुबहानी के दौर के किस्से आपने सुनाए हैं तो उन्होंने पहले लाहौर का मास्टर प्लान बदला, कीमती जमीन जो थी उसको कोड़ियों के भाव खरीदा और फिर उसको ग्रीन जमीन को ब्राउन कराया और अपनी जमीनों की मालियत बढ़ाई, और उसके बाद खरीदो फरोख्त के बाद उन रिकॉर्ड्स को उस स्याही और सफेदी की नजर कर दिया। और जिस तरह से आपने देखा कि कोयला के प्लांट साहिवाल की जरई जमीन में लगा के मुंह काला किया, इसी तरह उन्होंने जाली रिकॉर्ड जला जला के जो स्याही अपने मुंह पर मली और फिर चले गए। पीटीआई के दौर में उनकी स्याही को साफ करने के लिए वर्ल्ड बैंक की खिदमात जो है वो हासिल की गई है, ताकि जहां कहीं पे भी वो टारगेट करके
जो रिकॉर्ड जाया किया गया है, किसी का हक छीना गया, किसी के हक पर डाका डाला गया, तो असल हकदार तक वो हक हम उसी अर्बन डिजिटलाइजेशन प्रोग्राम के तहत यकीनी बनाए। एक सियासी सवाल करना चाहते हैं कि आपसे ऐसी लोग हैं और सियासी गुफ्तगू तो करेंगे तो डॉक्टर साहब जब एक रियासत मुखालिफ और सिक्योरिटी फोर्सेज के खिलाफ बयानिया अपनाए रखा जिस पे हुकूमत की बड़कें तो सुनी कि अमल इनके खिलाफ एक्शन होगा मगर कहीं भी नजर नहीं आया। अब जो है वो पिंडी मार्च का ऐलान कर दिया गया है कि अब भी हुकूमत हाथ पे हाथ ने बैठने के लिए फौज और जो है अपोजिशन आमने सामने। देखिए DGISPR की एक बड़ी क्लैरिटी के साथ प्रेस कॉन्फ्रेंस हुई, आपने भी सुनी हमने भी सुनी। उन्होंने पिंडी की तरह मार्च करने वालों को चाय पानी पिलाने का ऐलान किया और हम उनको लस्सी पिलाएंगे। और जो अपने दौर में कश्मीर कमेटी के चेयरमैन होते हुए कभी कश्मीर का रुख नहीं किया और कभी कश्मीर फतह करने नहीं निकले, अब वो पिंडी फतह करने निकले हैं, तो इंशाल्लाह हालात के मुताबिक, सूरत हाल के मुताबिक हुकूमत अपनी तरजीहात तय करेगी। और कोई भी कानून से बालातर नहीं है और कानून से बालातर ना होने का जो अज़्म है जिसको हम बार बार दोहरा रहे हैं, यही हमारे उन नादान पीडीएम के टोले के जितने भी सियासतदान हैं उनको बेचैन किए हुए हैं कि इमरान खान ने जो करप्शन के फ्लड गेट थे वो लॉक कर दिए और जो करप्शन के फ्लड गेट लॉक हुए हैं तो अब वो कभी पिंडी की तरफ मुंह करेंगे, कभी इस्लामाबाद की तरफ करेंगे और इसी तरह भटकते टकरे मारते तारीख की और रात में।